ओ भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए हाय हाय एक झलक दिखलाए कभी आंचल में छुप जाए मेरी नजर तो मेरी नजर से देखो तो कोई और नजर वो आए भोली सी सूरत Welcome, dear viewers. Today, my content is about udit Narayan's seven songs, Hindi geet, sangeet, giving to informations. Those times, giving to awards. Dosto, ye udit Narayan ke kaise geet us zamane ke hain, jisme usko seven filmon mein se panch filmon mein usme usko award mile the, aur ye us zamane ki bahut romantical hit filmen thi. Jo dosto 2000 ke baad jo uske kahi aise geet aap sun sakte hain, jisme uski jo natural awaaz hai, jisme मुझ नींद न आए ओ मुझ नींद न आए मुझ चैन न आए कोई जाए दर ढूंढ के लाए न जाने कहाँ दिल खो गया 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 दोस्तों 15 जून 2001 को उस जमाने में लगान आमिर खान की जो एक फिल्म थी उसकी हम बात करते हैं जिसको कृषि शक्ति ने जो उस जमाने में डायरेक्टिंग की थी और एआर रहमान का जो म्यूजिक उस जमाने में बहुत ज़्यादा मशहूर था और दोस्तों ये सारे गीत जो हम जिनके अंतर पढ़ेंगे जिसमें सात फिल्म इस लगान फिल्म में गीते आमिर खान की फिल्म बहुत कल्चर वाइज एक फिल्म थी जिसकी पांच गीतों में जिनके अंतरे जिसमें कोई गीत कामयाब थे जिसमें 2002 में जो है मित्व गीत के लिए जो जावेद अख्तर से लिखा था उसको अवार्ड्स मिला था जिसमें आमिर खान के इस फिल्म को जो बजट की हम बात करेंगे लेकिन दोस्तों इस में कई ऐसे गीत थे जिसमें ओ चोरी माही बात तुम्हारी अच्छरी माही बात तुम्हारी दोस्तों ये गीत और दूसरा मत बन मत बन तू गानी था कई आ रे भले आ रे भले दोस्तों 2000 में मितवा दोस्तों ये जो गीत 2000 में इस गीत को अवार्ड मिला गया लेकिन बाद में दोस्तों इस फिल्म के बाद एक और फिल्म आई जिसमें उदित नारायण ने रोमांटिकल सॉन्ग्स ऐसे गाए कि उसकी जो नेचुरल आवाज़ थी वो हीरो में बिल्कुल फिट होती है और बिल्कुल इस फिल्म में आप रिसर्च करके देख सकते हैं दोस्तों जो गदर फिल्म्स जो ज़माने में थी और अनिल शर्मा जो उस वक्त डायरेक्टिंग कर रहे थे और जो उस अमीशा पटल्स और सनी देओल्स ने जो उस ज़माने में इसके हीरो थे इसका रोल्स इस फिल्म्स में अगर देखें दोस्तों इसमें सात गीत टोटल थे और सात गीतों में से छः गीत जो बिल्कुल अवार्डेड सॉन्ग थे जिसमें उदित नारायण ने ये गीत तो गाए थे नेचुरल आवाज़ थी लेकिन ये गीत जो लिखे थे उस ज़माने में आनंद बख्शी शायर ने लिखे थे और दोस्तों इसमें गीत जो थे उदित नारायण के जो पांच में से चार गीत जो बहुत सफलता तक रहे हो मैं निकला गड़ लेके एक मोड़ आया मैं उथे दिल छोड़ आया एक मोड़ आया मैं उथे दिल छोड़ आया दोस्तों और कही आ जा काले का तेरा मंडखन आज दोस्तों ये गीत और उसके अलावा मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आते मुसाफिर जाने वाले दोस्तों उसके अलावा हम जिया हो हम जुदा हो गए रे मगर लेकिन दोस्तों लगान फिल्म्स की हम बात करते हैं लेकिन इसमें जो गीत रोमांटिकल्स जो आप सनी देओल की जो बॉडीज़ के साथ में जो उसके कल्चर्स वाइज में जो सॉन्ग्स था ये बहुत अच्छा था जिसमें मैं निकला गड्डी लेके एक बोर्ड आया मैं उथे दिल छोड़ आया
दोस्तों ये कई ऐसे टाइटल सॉन्ग्स में था इसकी, उसके अलावा और पंजाबी गीत संगीत रहे। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं जो लगान फिल्म्स उस ज़माने में जो थी, इसका 5 करोड़ बजट था लेकिन इसने 25 करोड़ उस ज़माने में तकरीबन 65 करोड़ कमाए। और लेकिन लगान फिल्म के बाद जो हमने एक और सदर्स फिल्म की हमने जो चर्चा की है जिसमें तकरीबन 19 करोड़ जो लगे थे और इसमें 133 करोड़ का जो बजट फिल्म ने ऑल ओवर द वर्ल्ड इसने कमाए थे। तो दोस्तों 2001 की ये एक गीत संगीत जो बड़े डिमांड वाले अवॉर्डेड सॉन्ग थे, उदित नारायण की जो नेचुरल आवाज थी। तो आपको दोस्तों इन दोनों फिल्मों में कौन सा गीत उदित नारायण का अच्छा लगता है? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गिव टू इन्फॉर्मेशन हिंदी गीत संगीत। थैंक फॉर वॉचिंग।